कृपा करके ध्यान दें। एक दो दो चार एक चंडीगढ़ अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया साहिबजादा अजीत सिंह नगर लुधियाना जलंधर सिटी ब्यास अपने निर्धारित समय से चल रही है। यह गड्डी 16:40 प्लेटफॉर्म नंबर 4 रुक जाएगी। जी जी जी। और दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप चंडीगढ़ जंक्शन पे आते हैं तो यहाँ दोस्तों ट्रेन को चलने में सिर्फ 4 मिनट ही बचे हैं, परंतु अभी तक भी ट्रेन में जनरेटर कार को नहीं चलाया गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आज के ब्लॉग की बात करें तो आज हम जिस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं उस ट्रेन का नंबर रहेगा 12241 चंडीगढ़ अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और दोस्तों इस ट्रेन को हम आज चंडीगढ़ से बोर्ड करेंगे और इसमें हम अनबोर्ड होंगे जाके लुधियाना जंक्शन पे। अगर मैं ट्रेन के टाइम की बात करूँ तो ट्रेन यहाँ से 16:40 पे चलेगी और शाम को ये ट्रेन 18:50 पे यानी 6:50 पे हमें ये ट्रेन लुधियाना जंक्शन पहुंचा देगी। दोस्तों अगर मैं कोच की बात करूं तो वो आज आप सबके लिए सरप्राइज है, क्योंकि दोस्तों आज तक मैंने उस कोच में कभी भी ट्रैवल नहीं किया है। मैं जस्ट फर्स्ट टाइम ही ब्लॉगिंग के लिए उस कोच को प्रेफर। दोस्तों अगर मैं अभी टाइम की बात करूं तो इस समय टाइम हो रहा है 3:25 और दोस्तों 3:30 पे यहां से अम्ब इंदौरा न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर टाइम भी है। तो अभी वो ट्रेन 5 मिनट में ऐसे डिपार्चर लेगी, तो मैं आपको जस्ट 5 मिनट के बाद उसका डिपार्चर दिखाता हूँ कि कितना प्यारा वंदे भारत का व्यू लग रहा है और वंदे भारत किस तरह से यहाँ से डिपार्चर लेती दिख रही है। अगर बात की जाए तो ट्रेन जो थी वो अम्बिदौरा से लेकर चंडीगढ़ के बीच में कैंसिल थी, उस ट्रेन को आज चंडीगढ़ से ही वंदे भारत ट्रेन को आज सिर्फ चंडीगढ़ से ही न्यू दिल्ली के बीच में चलाया गया था। ये ट्रेन सुबह भी आज ऊपर नहीं गई थी, जस्ट यहाँ से ट्रेन चलेगी और अम्बाला और न्यू दिल्ली होते हुए ट्रेन आके ख़त्म हो जाएगी। और अगर दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो जो आज हमारी ट्रेन है वो चंडीगढ़ के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, परंतु अभी वहां पे लगी है लखनऊ वाली ट्रेन। उस ट्रेन का यहां से डिपार्चर रहेगा 4 बजे के आसपास और देन उसके बाद फिर लगेगी हमारी ट्रेन। हम ट्रेन में बोर्ड होंगे, देन आपको दिखाऊंगा कि ट्रेन का इंटीरियर किस तरह से है। और दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप चंडीगढ़ जंक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पुराना स्टेशन था उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ पे एक नए सिरे से एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्लेटफॉर्म 4 पे और देन देखते हैं अपनी ट्रेन का वहाँ पे लगेगी और देन ट्रेन में होते हैं बोर्ड और चलते हैं अपनी जर्नी के लिए लुधियाना की तरफ को। और उससे पहले मैंने लेनी है एक पानी की बोतल। पानी की बोतल लेने के बाद ही हम देखेंगे कि हमारी ट्रेन किस तरह से इस स्टेशन पे आएगी और देन किस तरह से उसका यहाँ से डिपार्चर होगा। मैं आपको लोको भी दिखाऊंगा, मेरे आइडिया से Web 7 आज लोकोमोटिव हो सकता है। ठीक है चलते हैं, आपसे मिलते हैं अब जर्नी के टाइम पे। लेट्स स्टार्ट दी जर्नी नाउ। पानी की बोतल लेना एक। गाड़ी
जी जी जी। और दोस्तों अगर आज के लोकोमोटिव की बात करें तो जो मैंने कहा था यानी वेब 7 लोकोमोटिव ही आज हमारी इस ट्रेन को अमृतसर तक लेके जाएगा, पर हम इस जर्नी को लुधियाना में ही खत्म कर देंगे। और दोस्तों अभी एक डीजल लोकोमोटिव यानी WDG4 हमारी इस ट्रेन को शंटिंग के लिए लेके आया था और देन अब उसको डिटैच कर दिया गया है। अब अकेला वेब 7 ही हमारी ट्रेन को अमृतसर तक लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने कोच में और करते हैं अपने आज की जर्नी को शुरू। और दोस्तों एक स्पेसिफिक बात और एक काफ़ी अच्छी बात कि आज जो हमारी जर्नी रहने वाली है वो रहेगी C1 कोच में, यानी AC चेयर कार कोच में हमारी आज की जर्नी रहने वाली है। आज से पहले मैंने कभी भी इस कोच में ट्रैवल नहीं किया, मैं सिर्फ ब्लॉक के लिए ही इस चेयर कार को प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ कोच के अंदर चल के। दोस्तों ट्रेन को चलने में सिर्फ 4 मिनट ही बचे हैं, परंतु अभी तक भी ट्रेन में जनरेटर कार को नहीं चलाया गया, यानी AC कोच में भी हम सभी बिना AC के ही बैठे हुए हैं। और ट्रेन कब डिपार्ट करती है यहाँ से और आपको दिखाता हूँ चंडीगढ़ स्टेशन से डिपार्चर। और दोस्तों इसी के साथ एग्जैक्ट 4:40 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से हो चुका है। डिपार्चर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ हम करते हैं पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को अलविदा। और दोस्तों अगर बात कीजिए ट्रेन के होल्ड की तो ट्रेन ओनली एक ही होल्ड पर रुकेगी और वो है SAS नगर मोहाली, और इससे जस्ट अगला स्टेशन ही आ जाएगा लुधियाना जंक्शन। अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूं तो 115 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है और अभी तक हमने कवर कर ली है 10 किलोमीटर, यानी अभी हम पहुंच गए हैं SAS नगर मोहाली स्टेशन पे। अगर दोस्तों मैं ट्रेन के टाइम की बात करूं तो इस समय हमारी ट्रेन हो चुकी है 5 मिनट लेट, यानी हम 5 मिनट SAS नगर मोहाली देरी से पहुंचे हैं और ट्रेन का बज चुका है हॉर्न। जल्दी से चलते हैं अपने कोच में और करते हैं जर्नी को शुरू। दोस्तों ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स एक्चुअली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं जो कि खरड़ चंडीगढ़ में पड़ती है। अभी ये जो आप मेरे जैसे सामने ट्रैक देख रहे हैं ये ट्रैक है अम इंदौरा ऊना वाला ट्रैक। अगर आप ऊना से चंडीगढ़ के लिए आएंगे तो आपको मोरिंडा होते हुए यहीं से आना पड़ेगा। दोस्तों अगर अभी मैं लोकेशन की बात करूं तो इस टाइम पे हम अभी खड़े हैं खमाणो स्टेशन पे। इस स्टेशन पे हमारा कोई भी होल्ट नहीं था,
शायद से क्रॉसिंग के चलते यहाँ पे हमारी ट्रेन को खड़ा किया गया है और हमारी ट्रेन इस टाइम पे लूप लाइन पे खड़ी है। आप मेरे जस्ट पीछे देख पाएंगे कि हमारी जो ट्रेन है वो किस तरह से इस लोकेशन पे खड़ी है। अगर मैं बात करूं अपने होल्ट की तो हमारा जस्ट एक ही होल्ट आना था, वो था SAS नगर मोहाली, जिसको हमने पहले ही क्रॉस कर लिया था, परंतु इस जगह पे हमारी ट्रेन को अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही खड़ा कर दिया गया। और दोस्तों अगर मैं अभी किलोमीटर्स की बात करूं तो 61 किलोमीटर की जर्नी अभी हमने ख़त्म कर ली है और हमने टोटल जर्नी जो करनी है वो रहेगी आज 115 किलोमीटर्स की। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्रॉसिंग हुई अमृतसर नंगल डैम एक्सप्रेस ट्रेन के साथ। और दोस्तों अगर मैं बात करूं क्रॉसिंग्स की तो यहाँ पे इतनी क्रॉसिंग्स क्यों हो रही हैं, तो दोस्तों कुछ है ऐसा कि जितना भी ये रेलवे ट्रैक है ये सारा वन लाइन ट्रैक ही है, यानी लुधियाना से लेके चंडीगढ़ तक जितना भी ट्रैक है वो सारा वन लाइन ही है। और इसी के साथ हमारी ट्रेन को भी सिग्नल मिल चुका है। दोस्तों हम लुधियाना से 15 किलोमीटर पीछे थे कि मेरे साथ एक काफ़ी अच्छा इंसिडेंट हुआ। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जो मेरी सीट के अगली सीट थी वहाँ पे सीनियर सिटीजन बैठे थे और जो हमारी ट्रेन में थी वो कूलिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उनको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने उनसे बात की कि आपको कूलिंग तो नहीं लग रही, उन्होंने कहा हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, जिसके चलते मैंने इलेक्ट्रिशियन से बात की और जो कोच का टेम्परेचर था उसको मेंटेन करवा दिया। मुझे नॉलेज मिली थी कि हम MCV को भी ट्रिप करा सकते हैं, जिसके साथ जो कोच के ऊपर AC लगे होते हैं कुछ पार्टीशन वाले बंद हो जाते हैं, परंतु शायद वो इन्फॉर्मेशन अधूरी है। और दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को भी ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी हम पहुंच चुके हैं लुधियाना जंक्शन पे। अगर मैं टाइम की बात करूं तो इस समय टाइम हो रहा है 7:05, यानी हम यहां पे 25 मिनट लेट पहुंचे। दोस्तों एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि लुधियाना की जो लाइन थी वो क्लियर नहीं थी, जिसके चलते हमें स्टेशन आउटर पर ही 20-25 मिनट तक का वेट करना पड़ा, इसीलिए हम स्टेशन पर भी 25 मिनट लेट हो गए। ठीक है दोस्तों, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। ठीक है, मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद।